प्रदेश प्रभारी हितेश भाई जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा है? हमारा नेता कैसा है? स्वागत करने के लिए हमारे बाल्मीकि सभा के साथी आपको सम्मानित कर रहे हैं। तो भाई चंद्रशेखर रावण आपके बीच आ चुके हैं। जय भीम। सर्वप्रथम तो यहाँ की प्रदेश कमेटी, जिलों की कमेटी, यहाँ के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद इसलिए कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और जब मुझे यहाँ आने का अवसर मिला तो मैं अपनी बात भी आपके बीच रखूंगा। बुरा यह है कि हम एक लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए, किसी खुशी के अवसर पे नहीं हुए। कष्ट इस बात का है कि मैं हमेशा यही पढ़ता आया हूँ कि हमारी माताएं बहनें हमारा सम्मान होती। मैं यहाँ बैठा हूँ तो धूप जब लग रही तो मैं सोच रहा था कि फर्श जब गर्म हो रही होगी सड़क तो मेरी बहनों को कितनी परेशानी हो रही होगी। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ और मैं उनसे वादा करता हूँ, मेरा वादा अटल, कि अगर सरकार निर्दयी होकर हमारी आवाज को कुचलने का काम करेगी तो इस सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी याद रखें इस बात। मेरा मीडिया के साथी से अनुरोध है कि आप इधर हो जाएंगे तो मैं अपनी बहनों को देख पाऊंगा। धन्यवाद आपका। इधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ, आप लोग आ जाओ। आप तो छांव में भी चले जाओगे, ये देखो जिनकी वजह से हमें। धन्यवाद। मैंने काफी बातें सुनी। मैं कल जब से आया हूं मैंने तब से अध्यक्ष जी को पूरी घटनाक्रम के बारे में जाना। मेरा प्रोग्राम नहीं था, अध्यक्ष जी का आदेश आया, क्योंकि हमारे वो नेता हैं आप प्रदेश के, हमारे प्रभारी हितेश माही जी का आदेश आया कि आपको आना पड़ेगा। और मैं भी भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं तो मेरा काम है कि उनके आदेश को मानूं। इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों के बीच में चला जाऊंगा और पता भी लग जाएगा कि आप किस हालात में। इस पूरे प्रकरण को मैंने पढ़ा। बुरी बात यह है, इसका सार ये कि उन क्षेत्रों में अन्याय अत्याचार होता है और सरकार अन्याय अत्याचार करने वालों को छूट दे रही है कि अब आप अन्याय अत्याचार करो, आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। सच यह है इस पूरे इशू का। 2017 तक रजिस्ट्रार साहब की रिपोर्ट है, उन्होंने इस बात को खारिज किया कि जनजातीय क्षेत्र नहीं होना चाहिए। 5 साल में ऐसा कितना बड़ा परिवर्तन हुआ कि आरजीआई की रिपोर्ट जो है ना चेंज हो गई है, उनको लगता है कि जनजातीय क्षेत्र होना चाहिए। परिवर्तन यह हुआ कि उसी क्षेत्र में 5 साल में 106 मामले दर्ज हुए। कार्रवाई कितनों पे हुई होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो मानता हूं कि सरकार मालिक होती है, प्रशासन उनका उनके नौकर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस तमाम लोग मिलकर सरकार के हिसाब से काम करती है। सरकार कहती है कि निर्दोष लोगों को जेल में डाल दो तो जेल में डाल देती है, सरकार कहती है अपराधी को छोड़ दो छोड़ देते। मैं तो पूरे देश में जाता हूं और जहां जाता हूं वही यही देखता हूं। मैं यहां बैठा आपके चेहरे देख रहा था तो मुझे आपके चेहरों पे एक उदासी परेशानी नजर आती। आप एक उम्मीद लेके आए हैं शिमला में, देश की प्रदेश की राजधानी हिमाचल की, और आपको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी आपकी बात सुनेंगे।
अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ये कह रहे थे कि हम समय मांग रहे हैं। मेरा काम करने का तरीका दूसरा, समय हमें नहीं मांगते किसी से, हम तो अपना समय छीन लेते हैं। मांगने सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। आज जितने लोगों तक बात जाएगी, अगर वो तय कर लें कि एक महीने के अंदर दोबारा शिमला आएंगे, लेकिन इस बार शिमला ऐसे आएंगे कि शिमला से जाएंगे नहीं, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी आपको बुलाएंगे नहीं, ना छह लोगों के साथ, इतने लोग यही आएंगे आपके बीच में और पूछेंगे आपकी समस्या बताओ, यही कहेंगे कि समस्या खत्म होगी। आप जानो कानून किसके लिए, कानून किसके लिए, कानून वहां रहने वाले लोगों के लिए। मैं उन्हीं की समस्या को देख के तो कानून बनाया होगा। ये रिपोर्ट पढ़ी, एक भी वंचित वर्ग का व्यक्ति तो इसमें नहीं है, जो 100 लोग इस वो बनाई है, इसमें वंचित तबके का तो एक भी व्यक्ति नहीं है। फिर 40% आबादी वहां अनुसूचित जाति की है, क्या मुख्यमंत्री जी उस 40% आबादी को कीड़े मकोड़े समझते हैं कि वो उनका पैरोकार, उनकी पैरवी, उनकी बात को सुनना ही नहीं चाहते? जनजातीय क्षेत्र में घोषित करके क्या आप लाइसेंस चाहते हैं रेप करने का, हत्या करने का, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की? ये बात गलतफहमी दूर करो। मैं सिरमौर के लोगों से दोबारा वादा करता हूं, मैं हिमाचल शिमला आंदोलन में पहली बार आया हूं, आखिरी बार नहीं आया। इस बार आंदोलन नहीं होगा, इस बार यात्रा होगी सिरमौर से लेकर शिमला तक की, और ऐसी यात्रा होगी कि कोई अधिकारी कर्मचारी राजधानी का और मुख्यमंत्री चैन से नहीं सोएगा, मेरा आप लोगों से वादा। मैं तो बस सिर्फ ये देखने आया कि आप लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं। आप ये जानो कानून हमारे लिए, हमारे हमें सुविधा देने के लिए। भाई मैं मानता हूं जब से देश आजाद हुआ है, आजादी से पहले तो हमें अधिकार थे ही नहीं, थोड़े बहुत अधिकार थे जो अधिकार संविधान में मिले हैं। पूरी सरकार मिलकर षड्यंत्र कर रही है कि किसी तरह से वो अधिकार इनसे छीन ले जाए, ऐसे ही कानून बन रहे हैं। आप ये बताओ, महसूस करो, जब ये देश आजाद हुआ गरीब गरीब रहा, अमीर अमीर रहा, कितने लोगों को जमीन बांट के दी सरकार ने, कितने लोगों को आर्थिक रूप से मदद की, कितने लोगों को बिजनेस दिए, कितने लोगों को बड़े बड़े कारखाने दिए, कितने लोगों को समान अवसर दिए। आज भी जहां हम मेहनत करके खाते हैं, मेहनत का स्कोम है इस देश का बहुजन समाज, मेहनत का स्कोम है, लूट के नहीं खाता, चोरी करके नहीं खाता, छीन के नहीं खाता, अपने शरीर को रगड़ के मेहनत करके हमारी माँ बहने, हमारे भाई मेहनत करके, हमारे बुजुर्ग जो है वो रोटी खाते हैं। उस समाज को अपमान के अलावा मिला क्या है आजादी के आज तक 72 साल बाद तक? सिर्फ और सिर्फ गुलामी, झूठन, छुआछूत, अपमान, अन्याय और आवाज उठाने पर लाठियां, हत्याएं। मैं समझता हूं कि वो दिन चले गए कि जो सब हमें गाय बकरी बैल समझ के, गाजर मूली समझ के अत्याचार कर देता था। अब भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। तो जिस भाषा में समझेगा, मैं प्रदेश की राजधानी से बात कह रहा हूं, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग, होगा क्या जनजातीय क्षेत्र बन जाएगा तो पीसीआर एक्ट लगेगा, 2 साल की सजा उसमें होगी। इस एक्ट की वजह से, इस एक्ट की शवयात्राएं निकाली जाती है, इस एक्ट को हटाने की बात की जाती है, फिर एक भाईचारे की बात होती है हिंदुत्व की। उस भाईचारे में हम लोग चारा ही तो बन रहे हैं। जब हमारे अधिकारों की बात आती तो हमारे अधिकार छीनने के लिए शवयात्रा और रैलियां निकाली जाती हैं, आंदोलन होते हैं, और सरकार के लोग उनको बिना परमिशन जो है अवसर देते हैं। और हमें जो है, क्या हमारी पोटा साहिब से आने वाली टीम की गाड़ियां नहीं रोकी गई? क्या हम नहीं देख रहे हैं बैठ के? हम सब देख रहे हैं। मगर मैं प्रशासन के लोगों को नहीं कुछ कहना चाहता, क्योंकि ये तो बेचारे सेवक हैं। कल आपकी सरकार होगी तो आपका काम करेंगे। अभी देखा नहीं आपने लाइट कट गई? कैसे कट गई लाइट? प्रदेश की राजधानी में लाइट कर रही तो ऐसी सरकार का क्या फायदा? दूसरा, अगर वो एक्ट लगेगा, ये जनजाति एक्ट जो वो तैयार कर रहे हैं उस क्षेत्र को, तो जो थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व हमें पंचायत से लेकर मिलता है वो भी खत्म हो जाए। जब एक्ट
जनजातीय क्षेत्र हो जाएगा तो आप कार्रवाई के लिए जाओगे तो कहोगे आप आपस के लोग, और आपस के लोग हम वो हैं जिन आपस के लोगों में हम चारा बनके हमेशा गुलामी अन्याय जुम जाती सह रहे हैं। मुझे अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारी पंगत अलग बैठती है माइक से, वो तो ताज्जुब में हूं जब मैंने सुन रहा था। मैं जब देश के कई कोनों में जाता अलग अलग समस्याएं पता लगती, यहाँ की एक और पता लगी, शादी हमारी रसोईया किस कोई और फिर पंगत बैठती अलग अलग। बताइए, कहते हैं समानता, कैसी समानता? ये तो थोड़े बहुत अधिकार संविधान ने आपको दिए हैं। संविधान नहीं होता तो जो आपको आज तक भी इतना समानता आपसे करता है वो आपको घर में नहीं घुसने देते। मैंने मुझे अध्यक्ष जी की बात बहुत अच्छी लगी कि आप मना करो, क्या आप उनके घर में नहीं खाओगे तो आप छोटे हो जाओगे क्या? बताओ, मत जाना बंद करो ना, तीन चीजें बिल्कुल बंद करो, जो आपके साथ अत्याचार करे, दान सम्मान और मतदान, ये तीन चीजें उस समाज की बंद करके देखो आप, एकदम दिमाग ठीक हो जाएंगे सब लोगों के। ये लोकतंत्र है, 40% आबादी तो अपना सांसद और विधायक बना सकती है, लेकिन वो 40% आबादी इनके आगे हाथ फैला रही सरकार के आगे, क्यों फैलाएंगे हम लोग हाथ? अभी तो सिरमौर के लोगों ने अंगड़ाई ली। मेरा मैं आपको फिर कह रहा हूं, संकल्पित होके आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं जो साथी मेरे साथ आए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या इनको घबराने की जरूरत है? नहीं। क्या आज हम लोग एक नहीं है? आज आपकी बात को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा के अध्यक्ष हमारे, उत्तराखंड के अध्यक्ष हमारे, दिल्ली के टीम हमारी, यूपी की टीम हमारी, पंजाब की टीम हमारी चल के आए देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है। आप इस बार मौका तो दो, आप इस बार अन्याय अत्याचार की लड़ाई को मजबूत तो करो। हमें तो समस्या ये है कि बहुत सारी घटनाएं तक आती नहीं। आज अध्यक्ष जी ने कई किस्से बताए किस तरह सारी घटनाओं को मोड़ दिया जाता है। ये अन्याय अब नहीं चलेगा हिमाचल में, बस मैं यही बताने के लिए प्रदेश की राजधानी में कि अब हम आमने सामने से लड़ेंगे, अपने अधिकारों के लिए आंख से आंख मिला के बात करेंगे, और नहीं जाएंगे किसी मुख्यमंत्री के दरवाजे। जो मुख्यमंत्री इतने दिन से हमारी बात नहीं सुन रहा, अब हम उसके दरवाजे नहीं जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। अभी समय आएगा वो मुख्यमंत्री हमारे दरवाजों पे चौकटों पे सर रगड़ता घूमेगा, आप चिंता मत करो, वो आएगा। वो छोड़िए, ये जो यहाँ की सरकार है, इनकी जो केंद्र की सरकार है, उनके जो प्रधानमंत्री है, जो हम सबके प्रधानमंत्री है, वो पैर धोते हैं हमारे। आप देख लो, एक समय आता है आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया है, वो प्रधानमंत्री जी हमारे पैर धोते हैं, और तमाम मुख्यमंत्री वो हमारे घरों में खाना खा के आगे दिखाते हैं कि हम समानता की बात करते हैं। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, आप अपनी ताकत को पहचानो तो सही। अगर आपको ये लगता है कि आप कमजोर हैं तो ये आपकी मानसिक गुलामी है। आप ना कमजोर थे ना है और आप ना रहोगे, इस वादे को हमें एक दूसरे से करना पड़ेगा। ये हिमाचल है, ये हिमाचल है, और हिमाचल वैसे चलेगा जैसे यहाँ के बहुजन समाज के लोग चाहेंगे, ऐसा संकल्प हमें करना पड़ेगा। देखो, बिना संघर्ष के कुछ मिलेगा नहीं। आज आप आए, धूम में बैठे हुए, गर्मी सह रहे हैं, सड़क पे हैं, तमाम तरह के साधन संसाधन लगा के आए हैं, ये आपकी एकता है। आपको क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी तक ये बात नहीं गई है कि आप यहाँ? ये बात मुख्यमंत्री तक भी गई है, और ये बात मुख्यमंत्री ने ऊपर भी पहुंचा दी है कि यहाँ के लोग भी भीम आर्मी के प्रति विश्वास में आ रहे हैं और वो भीम आर्मी के साथ खड़े हो रहे हैं। यहाँ भी ताकत बन रही है, पूरे देश में बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब हमारा क्या होगा? अब उनका वही होगा जो बहुजन समाज के लोग चाहेंगे। जो मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनेगा ना, उसकी कुर्सी का एक पाया तोड़ देंगे हम लोग, मुख्यमंत्री जी बैठ नहीं पाएंगे। देखो, समझो और जान लो, आजाद भारत है, जितना अधिकार उनके पास इतना आपके पास, बस उस अधिकार को लेना है। मैं तो यहां के नौजवानों से अपील करूंगा कि संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। यहां जवानी, नौजवान, मेरी बहनें, मेरे भाई, वो कमर कसे। क्या आप गुलामी सहने के लिए पैदा हुए हैं? क्या गुलामी किसी भगवान ने आपकी किस्मत में लिखी है? क्या आप बेबस और जानवरी जीवन जीने के लिए तैयार हुए हैं? क्या आपका कोई स्वाभिमान सम्मान नहीं है? भारत आजाद है, भारत को संविधान चलाता है, संविधान में हमें बराबर के अधिकार हैं, वोट का भी
और समानता का भी, अवसर का भी, लेकिन वो आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कानून बनाने की ताकत आपके हाथ में नहीं आएगी। जो सरकार जिससे आप मांग रहे हैं ना, अगर आप पिछलग्गू बने रहे तो ये सरकार आपको कुछ नहीं देगी, सिर्फ झूठन देगी। और अगर आपने अपनी ताकत, कीमत, अपनी वैल्यू समझ ली तो ये सरकार आपके घर आके पूछेगी कि बताइए आपकी इच्छा क्या है, आप चाहते क्या, फिर आपको धूप में आने बैठना पड़ेगा। मुझे कष्ट है, नौजवान साथियों को तो मान लेता हूं, लेकिन मेरी बहनें यहां बैठी, मुझे दुख है। और क्या नहीं अत्याचार होते, क्या हम नहीं जान रहे, क्या हमें नहीं बताया गया कितने तरह के अत्याचार होते हैं गांव देहात से लेकर, और आवाज उठाने पर क्या नहीं होता। हिमाचल के लोगों को अब फैसला लेना पड़ेगा। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, यहां बैठे हर एक शख्स से पूछना चाहता हूं, क्या आप गुलामी का जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप इस गुलामी की बेड़ियों को काटना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपको भी स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों के साथ जीवन मिले? दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोग चाहते हैं। अगर इतने लोग दोनों हाथ उठा के इस बात का संकल्प करते हैं तो 6 महीने में अगले हिमाचल का कोई कोना नहीं बचेगा जहां से यह आंदोलन मजबूत नहीं होगा। और फिर मैं कह रहा हूं, मांगना नहीं है, अपनी ताकत बनानी। देखो, आपको लगता है कि आप यहां एक दिन इकट्ठा हो जाओगे, मुख्यमंत्री थाली में सजा के आपको देंगे, नहीं। जिस दिन मुख्यमंत्री को पता लगा कि उनका समाज जमीनी रूप से एकजुट हो रहा है, और जो लोग पहुंचे थे सिरमौर, वो सिरमौर, जो लोग शिमला पहुंचे थे वो सिरमौर वापस नहीं गए, उन्होंने जाके क्षेत्रों में जाकर काम करने के लिए काम करना शुरू किया और अपने लोगों को बताना शुरू किया कि क्या अन्याय होने वाला है। अभी के वो जो किन्नौर से आए थे, उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्र के बाद हमें क्या सहना पड़ रहा है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, कल जो गुलामी आपके ऊपर थोपी जा रही है, अगर उसको रोकना चाहते हो तो आपको गांव से निकल के, घर से निकल के, अपने क्षेत्र से निकल के अपने समाज को तैयार करना पड़ेगा। कल जो होने वाला उसके लिए अपने लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। कल जो अन्याय, अत्याचार, जोर जबरदस्ती, गुलामी और जो अधिकारों के विहीन, बिना अधिकारों के जो समय आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है, उसको रोकने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कितने लोग हैं जो इसमें साथ देंगे, जरा हाथ उठाओ। अब इनके हाथ नोट कर लेना, दोनों हाथ उठाओ, ऊंचे से उठाओ हाथ, इतने ऊंचे से कि दिखाई दे आपके हाथ। बताओ जवाब, दोगे या नहीं दोगे, बताओ। सरकार को पता चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? आप गुलामी नहीं चाहते ना, नहीं चाहते ना? धन्यवाद। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अध्यक्ष जी, ये आंदोलन तो आज शुरू हुआ, सरकार अपना काम करेगी, हम लोग अपना काम करें। आज के बाद यहां आई हिमाचल की टीम, वो जाएगी क्षेत्रों में और तैयार करेगी, और हम लोग डेट तय करेंगे, और सिरमौर से उसी जगह जहां अन्याय सबसे ज्यादा, और हम देखेंगे कौन रोकेगा यात्रा को। हमारी जिम्मेदारी, हम खुद रहेंगे उस यात्रा में, और पैदल ही नहीं, अपने लहू का एक कतरा जो है ना, वो हिमाचल के वासियों से, अपने बहुजन समाज के लोगों से कह रहे हैं, वो इस धरती के लिए, अपने देश के लिए, इसकी तरक्की के लिए, और आप सब लोगों के अधिकार और स्वाभिमान सम्मान के लिए निछावर करेंगे। लेकिन आप गुलामी नहीं सही जाएगी, आप जुल्म जाति के सामने हम लोग घुटने नहीं टेकेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। 100 दिन बकरे की तरह जीने से अच्छा 1 दिन शेर की तरह जियो। और याद करो, बलि किसके लिए जाती है बताओ? कभी शेर की बलि आपने देखी किसी को देते? जिस दिन आप अपने अधिकारों के लिए सड़क पे आओगे, ये सरकारें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और बाकी भैया बता ही दिया अध्यक्ष जी कि हमारा पुश्तैनी कार्यक्रम क्या था। अगर हम वो भी करते रहते ना तो बिजनेसमैन होते, देश में मालिक होते। इस सरकार ने हमें सिवा कटोरे के और कुछ नहीं दिया। आप नोटिस करो, राशन ले लो और ये हमारी वोट खरीद लेंगे राशन के चक्कर में, एजुकेशन ले लो, वोट दे दो, इनकी गुलामी सो क्यों। भारत का संविधान सबको पढ़ने का अधिकार देता है, सबको समानता का अधिकार देता है, समान अवसर देता है। और ये जो बनाया जाके, पहली बात, अगर मैं मुख्यमंत्री जी को भी एक रास्ता बताता हूं, ये वॉयलेशन है संविधान के आर्टिकल 342 के भाग 2 का, ये वॉयलेशन। आप दलित समाज को, अनुसूचित जाति को उनके अधिकारों से वंचित कर ही नहीं सकते हो। और अगर आप ऐसा करोगे, इतनी बड़ी आबादी को
भुला के, इग्नोर करके अगर आप कुछ लोगों के षड्यंत्र में आगे ऐसा करने